अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियलेटर्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा ये 5 मरले का खूबसूरत 4 बेडरूम हाउस जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। इस घर की जो लोकेशन है बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी, इस घर की लोकेशन है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। फेंस आप घर की देख सकते हैं, टेरेस की जो हमारे पास स्लाइडिंग गेट है उसके साथ मैच कर रही है। ग्राफी का यूज़ हुआ हुआ है फ्रंट पे ऑल ओवर। 4 बेडरूम हाउस है ये। राइट लेफ्ट से आप देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है, हमें जो है 30 फीट जो है इसकी वाइड स्ट्रीट्स मिलेंगी। बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी घर की लोकेशन है ये। आप देख सकते हैं इसका बाहर से जो गेट के बाहर इसका टफ टाइल यहाँ पर इंस्टॉल है। इसके जो पार्किंग रैंप एरिया है, फिर लेफ्ट में हमारे पास इसका जो है ये एक्सटर्नल लॉन एरिया जो होता है घर का। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है घर की। तो अभी इसका ग्राउंड फ्लोर से जो है इसका विजिट करते हैं। 4 बेडरूम्स हैं हमारे पास इस टोटल घर में। 25-45 जो है इस प्लॉट की डायमेंशन है जिस प्लॉट पे इस घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं मार्बल का यूज़ हुआ है हमारे पास, एक खूबसूरत एक फिनिशिंग में पॉलिश में जो इसके कार पोर्च पे। उसके बाद लेफ्ट साइड की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे साइड गैलरी एरिया है। ऑलरेडी एक बाइक पार्क है, 2 बाइक्स यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। सामने जो है वाटर टैंक एरिया है। फिर साइड वॉल से अगर बात करूँगा तो यहाँ पे खूबसूरत जो है इसकी वुडन फिनिशिंग के साथ रॉक वॉल में इसको डिज़ाइन किया हुआ। बिल्कुल सामने से जो है हमारे पास मेन की घर की मेन एक्सेस है ग्राउंड फ्लोर की। लेफ्ट साइड से जो है हमारे पास इसके ड्राइंग रूम की एक्सेस है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत फिनिशिंग में जो है इसका जो है वुड वर्क हुआ है मेन डोर का और ड्राइंग रूम के डोर का। तो मेन जो है एक्सेस यहाँ से हम एंटर होंगे। तो एंटर होते साथ ही बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास जो है इसका एरिया है, पाउडर एरिया जो है इस घर का। ये आप देख सकते हैं इसमें स्पेशियस यहाँ पर जगह है। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट जो है वो वेंटिलेशन के लिए अवेलेबल है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फर्दर हमारे पास जो एक्सेस है इसके फर्स्ट फ्लोर जो स्टेयर्स हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका जो है ड्राइंग रूम की एक्सेस है। ये आप देख सकते हैं जो डोर है इसका ड्राइंग रूम का पोर्च से। ग्रिल्स जो हैं विंडोज पे वो सिक्योरिटी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं। फ्लोर पे आप देख सकते हैं मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में टाइल्स का यूज़ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत घर है। सामने टीवी लाउंज एरिया है, इसको आप सेपरेट करना चाहें तो आप यहाँ से मिडल से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम को। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ इसके टीवी लाउंज की जो स्पेस है, एक स्पेशियस हमारे पास स्पेस है इसके टीवी लाउंज की। बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है ये। सामने मीडिया वॉल आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज का पसंद आया होगा। एक बेडरूम है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे, फिर साथ क्लोज किचन है। किचन में आपको दिखाता हूँ तो लाइट वुडन टेक्सचर में टाइल्स का यूज़ हुआ है किचन में फ्लोर पे। ये आप देख सकते हैं आपको स्पेशियस क्लोज किचन देखने को मिलेगा। शेल्फ्स देख सकते हैं आप इसकी। बैक गैलरी एरिया पे आप देख सकते हैं मार्बल का यूज़ हुआ है सेम जो पोर्च में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ड्री के लिए एरिया मिलता है। स्पेशियस किचन है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसका हमारे मास्टर बेडरूम मिलेगा। वार्डरोब एरिया सेम जो है टाइल्स का यूज हुआ है इसके फ्लोर पे। फिर वॉशरूम आप देख सकते हैं खूबसूरत ग्रे के कंट्रास्ट में जो है टाइल्स का यूज हुआ है टिल सीलिंग तक। तो फिर जब मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, ये आप देख सकते हैं इसमें जो स्टेयर ये जो निशेस बनी है, आप इसको बेहतरीन यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन को यूटिलाइज करके इसको आप डेकोर कर सकते हैं। तो एंटर होते साथ ही हमारे पास जो है फर्स्ट फ्लोर की लॉबी एरिया है। 3 बेडरूम्स मिलेंगे यहाँ पे। लेफ्ट पे मास्टर बेडरूम है, राइट पे सेकेंड बेडरूम है, मिडिल में थर्ड बेडरूम है। तो 1 बाय 1 एक बेडरूम को हम लोग विजिट करेंगे।
बॉक्स स्टाइल में सीलिंग को डिजाइन किया हुआ है। फ्लोर पे आप देख सकते हैं सेम टाइल्स का यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अटैच कंबाइंड वॉशरूम है इस बेडरूम का। हर वॉशरूम में आपको वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट और विंडो मिलेगी। बैक साइड पे हमारे पास इसका जो एज पर बहरिया कंस्ट्रक्शन लॉ जो 2 फुट की गैलरी एरिया होता है। सेकंड बेडरूम, वॉशरूम, यहाँ पे आपको सर कबर्ड एरिया मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत घर है, एक एक स्पेस को अच्छी तरह यूटिलाइज किया हुआ है। मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं इसका। लाइट्स ऑन कर सकता हूँ यहाँ से इसकी। सामने सिक्योरिटी ग्रिल्स हैं इसकी। यहाँ से टेरेस की एक्सेस है, आप देख सकते हैं टेरेस में और जो जितने भी घर के मेन डोर्स हैं सब में जो है सिक्योरिटी पैनल्स आपको लगे हुए नजर आएंगे। थर्ड बेडरूम था, फाइनल बेडरूम था, अब हम विजिट करते हैं इसका जो वॉशरूम एरिया है। ये है वार्डरोब एरिया लॉबी में, फिर वॉशरूम आप देख सकते हैं, एक स्पेशियस वॉशरूम देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत घर है, आप देख सकते हैं विंडोज की, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट की, हर वॉशरूम में अवेलेबिलिटी है। फिर बड़ी नीट एंड क्लीन सफाई से एक एक चीज़ मैनेज करके जो है घर को बनाया हुआ है। कोई भी स्पेस आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा कि आपको एक अननेसेसरी जो है ये चीज़ लगी हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 बेडरूम हाउस 5 मरले का जिसकी लोकेशन है भैया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। लोकेशन की बात करूँ तो बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है ये। मॉस्क है, पार्क्स हैं, मेन रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। 95% एरिया डेवलप्ड है, राइट लेफ्ट लोग रह रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ इसकी विंडो से थोड़ा सा व्यू आपको नज़र आ जाएगा कि ऑलमोस्ट सारे घर जो है आपको स्ट्रीट में नज़र आएंगे। 30 फीट जो है वाइड स्ट्रीट है, 1-2 प्लॉट जो है हर स्ट्रीट में वेकेंट हैं बस। गैस की बात करूँ, गैस सबसे एक मेजर पॉइंट होता है। गैस अभी इस घर में अवेलेबल नहीं है, एरिया में गैस अवेलेबल है, मीटर लगे हुए लेकिन अभी तक इस घर में मीटर अप्लाई हुआ है लेकिन अभी तक गैस का मीटर इंस्टॉल नहीं है। रूफटॉप पे आप देख सकते हैं चिप्स का यूज हुआ है। बैक साइड पे हमारे पास एरिया है वाटर टैंक का, फिर स्टोर एरिया, सर्वेंट क्वार्टर, वॉशरूम। तो बहुत ही खूबसूरत घर था व्यूअर्स। इस घर की जो डिमांड है आस्किंग प्राइस है 1.95 1.95 करोड़ रुपए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं मजीद डिटेल्स के लिए। जो इस घर की डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 1.95। उम्मीद करता हूँ कि 5 मरले का 4 बेडरूम हाउस आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।